जींद पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का पक्ष लेते हुए कहा कि देश में किसान ही नहीं बल्कि पत्रकार भी आत्महत्या कर सकते हैं। यह बात कहना है केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह का। वे बुधवार को अपने निजी काम से जींद में अपने एक कार्यकर्ता पवन गर्ग व्यापारी नेता के घर पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और इसके लिए राज्य सरकारों को भी आगे आना होगा, क्योंकि केवल गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में डालने से नहीं बात बनने वाली। हर फसल का मूल्य समर्थन मूल्य बढ़ाना जरूरी है। देश में किसानों द्वारा की जा रही लगातार आत्महत्याओं पर सवाल करने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आत्महत्या केवल किसान ही नहीं बल्कि पत्रकार भी कर सकते हैं। वह किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों को जानना भी बहुत जरूरी है कि वह किस लिए आत्महत्या कर रहे हैं। फिर हर राज्य का ये कर्तव्य है कि कोई भी फसल हो उस राज्य में अगर किसान को MSP से कम कीमत मिलती है तो वो राज्य सरकार खरीदे, तब तो कोई उसका औचित्य है। और सिर्फ अगर गेहूं और चावल पे ही टिके रहे तो 20% किसानों को तो लाभ हो सकता है, 80% का कौन देखेगा। तो हम सारे इसको मिला के सोचना चाहते हैं, जिसमें कपास भी है, जिसमें सरसों भी है, जिसमें बाजरा भी है, जिसमें ज्वार भी है, जितनी भी तिलहन है, दलहन है, वो सारा उसका MSP आधारित हो। ये बात समझ लो कि आत्महत्या सिर्फ किसान नहीं करता, आप में से भी कोई कर सकता है, जर्नलिस्ट में से कोई जरूरी है। उसके अलग कारण है, किसान को ये कहना कि किसान आत्महत्या करता है, किसान तो हमारा सबसे बहादुर है, वो तो ये तो सोच सकता है मरना तो किसी को मार के मरेंगे, लेकिन वो इतना कायर नहीं है कि वो किसी भी संकट में आत्महत्या की सोचे। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं, कई दिमागी रूप से परेशान होते हैं। अब वो किसान का बेटा है तो आप लिख दोगे कि किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके कारण तो दूसरे हैं ना। तो हम, मेरे को पता है कि किसान आत्महत्या को कभी भी सोचता भी नहीं, लेकिन अनेक कारणों से कोई हत्या होती है, आत्महत्या होती है तो उसका है। देखो बात यह है कि कई सामाजिक रिश्ते भी होते हैं। अब सब चीजों को आप राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखते हो? आजाद TV न्यूज के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता की रिपोर्ट।